हाय दिस इज परम। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका पिछले वीडियो से रिलेटेड दूर करना चाहूँगा। जो हमने बनाई थी किसी भी डर, चिंता, घबराहट या एंग्जाइटी में क्या करें, उसमें आपसे ब्रीदिंग की मैंने दो टेक्निक शेयर की थी, जिसके बारे में अभी भी कुछ लोगों के कमेंट या फोन कॉल है कि उन्हें अभी कन्फ्यूजन है, मैं पहले उसे दूर करना चाहता हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा, वास्तव में बहुत ही यूजफुल वीडियो है। साथियों, मैंने उसमें ब्रीदिंग की दो टेक्निक आपसे शेयर की थी। एक मैंने बोला था कि आपको जब इमरजेंसी हो, जब पैनिक अटैक आए, जब आपको एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़े, जब आपके पास अचानक कोई ऑप्शन ना हो, तो आप वहाँ पर अपनी सांस नाक से लेंगे, अपने पेट में भरेंगे और थोड़ी देर के बाद जल्दी ही अपने मुँह से हाँ की आवाज़ के साथ में निकालेंगे। मैंने बताया था कि आप इस टेक्निक को केवल जब इस्तेमाल करेंगे जब आपको इमरजेंसी कोई होती है, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आपको होता है, इसे आप अपनी हैबिट या रूटीन नहीं बनाएंगे। मैं फिर से एक डेमोंस्ट्रेशन देता हूं। यहाँ मैं अपने अंदर श्वास को, ऑक्सीजन को अपने पेट में भरता हूँ, थोड़ी देर रोकता हूँ और हाँ की आवाज़ के साथ में मुंह खोल करके जल्दी ही निकाल देता हूँ। ऐसा तब भी मुझे इमरजेंसी होगी तब मैं करूँगा, ये मेरी हैबिट नहीं है, ये मेरा नेचुरल पैटर्न नहीं है, दिन भर मैं ऐसा नहीं करूँगा या आप भी दिन भर ऐसा नहीं करेंगे। यदि पूरे दिन आप इस तरह सांस लेंगे और निकालेंगे तो आप सोचिएगा कैसे काम चलेगा। दूसरा, मैंने आपको डीप ब्रीदिंग का तरीका बताया था जिसमें आपको नाक से ही सांस लेना है, अपने पेट में नेवल के नीचे तक ले जा करके रोकना है, भरना है, उसके बाद में धीरे धीरे आपको उसे एक्सहेल कर देना है, नाक से ही निकालना है, नाक से ही लेना है, नाक से ही निकालना है। ये हमारा पैटर्न हमें डेवलप करना है, ये हमें हैबिट अपनी बनानी है, ये स्वाभाविक है, इसी तरह से हमें सांस को लेना है और छोड़ना है। मैं पहले इसका डेमोंस्ट्रेशन आपको देता हूँ। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, आप बैठे हों, खड़े हों या लेटे हों, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तभी आप इसके पॉजिटिव रिजल्ट देख पाएंगे। ये मेरा एक साइकिल पूरा हुआ। जब मैंने नाक से इनहेल किया तो मेरा ऑक्सीजन गया अंदर, मेरा पेट बाहर आया, उसके बाद में थोड़ी देर जितना मैं कंफर्टेबल था मैंने रोक करके धीरे धीरे अपने श्वास को नाक से ही बाहर निकाला। जैसे मैं बाहर निकालता हूँ तो मेरा पेट अंदर जाना चाहिए, श्वास लेता हूँ अंदर तो पेट मेरा बाहर आना चाहिए, तब पेट बाहर आएगा, श्वास अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदर पहुँचेगी, तब पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मेरी निकलेगी। इससे मुझे अनेक फायदे होंगे, यदि आप करेंगे तो इसका रिजल्ट इंस्टेंट आपको लाइफ में मिलेगा। यही हैबिट आपको बनानी है, इसे ही अब आप पूछेंगे कितनी देर करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप करिएगा, जितना समय है, जितने 24 घंटे में आप ज़्यादा करेंगे आपकी आदत बनेगी। यही हमारा स्वभाव है, इसी तरह से हमें सांस लेना और छोड़ना है, आपको बहुत इससे फायदा होगा। मैं समझता हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों तरह की ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, कब किसको हमें करना। आपके शरीर में दोस्तों कभी भी कहीं भी किसी भी अंग में दर्द है, सर से लेकर के अंगूठे तक किसी भी अंग में जब दर्द है तो दर्द आपका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है कि आप उस दर्द से जुड़े रहते हैं और उस दर्द को बढ़ाते रहते हैं। जिस चीज़ से भी आप जुड़ जाते हैं वो एनर्जी वहाँ पर जाती है और आपकी वही चीज़ बढ़ती चली जाती है। दर्द से जुड़े हैं तो दर्द की एनर्जी यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। आप जिस समय दर्द के साथ में एक हो जाते हैं, द मोमेंट यू गेट वन विद योर पेन, इट मीन्स कि आप अपने पेन को ही बढ़ा रहे होते हैं। आप भी चिल्ला रहे होते हैं, आप भी दुखी हो रहे होते हैं और पेन वहां पर बढ़ रहा होता है। दर्द को कम करने के लिए सबसे पहला तरीका आपको करना है, हमेशा ध्यान रखें कि आपको दर्द से अलग होना है। दर्द से कैसे अलग होना है अब आप इसे भी समझ लीजिएगा। जहां भी दर्द है आप धीरे से बैठ जाएं या लेट जाएं, या खड़े हो सके तो खड़े हो जाएं, बेहतर है कि आप बैठ जाएं या लेट जाएं।
आंखें बंद कर लीजिएगा, आंखें बंद करने में आपके पास इमेजिनेशन की ताकत है, कल्पना की शक्ति है। आंखें बंद करने के बाद में आप अपने उस शरीर के अंग को देखिएगा, आप दूर होकर के देखिएगा कल्पना में। जैसे ही आप एक डिस्टेंस के साथ में अपने शरीर के उस अंग को देख रहे हैं, उसी समय आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा कि आपका दर्द से जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है, दर्द वहीं पर डिसएम्पावर हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वो अपने आप में घटने लगता है, क्योंकि अब दर्द को ताकत नहीं मिल रही है। जब आप दर्द को देखने लगेंगे तो दर्द एक फीलिंग है जो आप जैसी दूर होकर के देखेंगे तो अपने आप में ही कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। वैसे भी आप जानते और मानते हैं कोई भी फीलिंग अपने आप में परमानेंट नहीं है, आती है और जाती है, आती है और जाती है। इसी तरह से जैसे ही आप दर्द से अलग होंगे तो दर्द आपका देखेंगे धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ आप दूसरा अभ्यास भी करेंगे कि आप अपने उस शरीर के अंग को देख रहे हैं और आप कल्पना में देख रहे हैं कि एक हीलिंग एनर्जी जो आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स से दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट व्हाइट कलर का आपके उस शरीर के अंग में प्रवेश कर रहा है और अंदर और बाहर से फैलता जा रहा है, उसको घेरता जा रहा है, फैलता जा रहा है और घेरता जा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप दर्द आपका निकलता जा रहा है, हीलिंग आपकी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप एक हीलिंग की एनर्जी दे रहे हैं, दर्द की एनर्जी नहीं दे रहे हैं। आपके खुद के पास वो ताकत है कि आप अपने दर्द को खत्म कर सकते हैं, आप नासमझे में अपने दर्द को बढ़ा भी सकते हैं। प्राचीन काल में साथियों अनेक लोग, अनेक योगी लोग, महापुरुष लोग अपने किसी भी शरीर की व्याधि को, दर्द को इसी तरह से ठीक कर लिया करते थे। उनके पास ये तरीके थे और ये तरीके किसी चमत्कार से कम नहीं थे। लेकिन यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं दोस्तों, तो पहले इस कॉन्शियस माइंड को, इस लॉजिकल माइंड को, इस जजमेंटल माइंड को आपको गिराना होगा, इसे अपना बिलीफ बनाना होगा। जब तक ही आपका बिलीफ नहीं बनेगा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। मेरा बिलीफ मेरे जीवन की रियलिटी बनता है, आपका बिलीफ आपके जीवन की रियलिटी बनता है। यदि आप इस क्यों और कैसे में खो जाएंगे, इसका अभ्यास नहीं करेंगे, पहले से पहले ही रिजल्ट आपको चाहिए, रिजल्ट मिलेगा यदि आप इसका अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे। उसके लिए आपको कॉन्शियस या लॉजिकल माइंड को गिराना होगा, इस बिलीफ को सीधा अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दें, और जो भी बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हमारी रियलिटी बनाता है। बिलीफ है कि यदि आप अपने दर्द से दूर होकर के आप ही उसको हीलिंग एनर्जी देते हैं, डिवाइन लाइट से आप महसूस करते हैं कि वो हील होता जा रहा है, आप डिसकनेक्टेड डिसएसोसिएटेड फॉर्म में उसे देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका दर्द ठीक होने लगा। अनेक ऐसे अनुभव हैं, आप अपनी जिंदगी में अनुभव में उतार के देखिएगा। ऐसा करके आप किसी दूसरे के दर्द को भी कम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद अपने ऊपर करते हैं तो ये टेक्निक, ये तरीका, ये ध्यान, ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अपने आप में इफेक्टिव है। अब मैं साथियों आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट इन टू मेडिसिन, मेरा किसी दवाई से कोई लेना देना नहीं है। आप दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप दवाई लेंगे या नहीं लेंगे, ये आपका निजी फैसला होगा। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप दवाई ले रहे हैं तो आप लेते रहें, छोड़ना या न छोड़ना वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रयोग भी आप अपने जीवन में उतारेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, आप बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे। आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा, अभ्यास करके देखिएगा। अपने कॉन्शियस माइंड को बोल दीजिएगा, समझा दीजिएगा कि एक बार अभ्यास करके देख लेते हैं, अनुभव करके देख लेते हैं, रिजल्ट मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ आप इसे जरूर करके देखिएगा। जो भी लोग आज हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कर रहे हैं उनके अपने अनुभव, मेरी जिंदगी के अपने अनुभव हैं। यदि आप विदाउट बीइंग लॉजिकल और जजमेंटल, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, यदि ऐसा लगा करके आप किसी भी मेरी विधि का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे साथियों, तो वो रिजल्ट नहीं देगी। कुछ देर के लिए आप अनुभव करें, इसमें कुछ आपका जाएगा नहीं, कुछ फायदा ही होने वाला है, और होगा तो उसे अपने जीवन का आप हिस्सा बनाएं, आपको निश्चित ही रिजल्ट मिलेंगे। आप करेंगे और आप करने के बाद में अपने अनुभव जरूर मुझसे और बाकी लोगों के साथ में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।